आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। बिजनौर के मोहल्ला 4CDB21 की जामा मस्जिद के पास कुरान बेचने का एक बड़ा खोखा जलकर राख। ट्रांसफार्मर में 11,000 की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से कबाड़ी की दुकान के बाहर रखे कबाड़ प्लास्टिक और फोम में आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि पास में रखे खोखे को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की और फायर ब्रिगेडर को भी कॉल किया। कॉल करने के 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेडर की गाड़ी पहुंची। लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेडर की गाड़ी में पानी बहुत कम था जिससे आग नहीं बुझ सकी। बाद में मस्जिद का जनरेटर चलाकर समरसेबल से आग को बुझाया गया। खोखे के मालिक का कहना है कि उसके खोखे में 6 लाख का सामान था जो जलकर राख हो गया। मीडिया से बात करते सलीम अख्तर उर्फ सल्लू। बाबा सही भाई को पैसे मिलने चाहिए पूरा, है ना? झारखंड में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नेतृत्व स्वदेशी जागरण मंच की महिला प्रमुख रूबी झा ने किया। उन्होंने बताया कि स्वदेशी अपनाना है और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है। स्वदेशी जागरण लक्ष्य है। मौके पर मौजूद माया केसरी, अलका सोनी, कुसुम शर्मा, रीता राज आदि लोग उपस्थित। मेरा नाम सलीम अख्तर है। जी सलीम अख्तर जी, ये जो रात आग लगी है किस कारण लगी और कितने तक का सामान राख हो गया है? ये जो आग लगी है ये यहाँ 3री बार आग लगी। अच्छा। और ये सारी लापरवाही जो है बिजली विभाग की है, क्योंकि तारों के नीचे से जो है इसके जो झूला जो बनता है वो झूला नहीं बना हुआ है जी। और उसी वजह से जो है ज़्यादा लोड होने से जो है तार टूटा और तार टूट के जो है नीचे खोखे पे गिर गया और खोखे के आसपास जो है कुछ प्लास्टिक का सामान कुछ रहता था तो उसकी जलने की वजह से ये पूरे इसके जो है खोखे में आग लग गई। तकरीबन लगभग जो है 5 लाख रुपये तक का नुकसान जो है इस गरीब का हो गया है और ये पहली बार नहीं है, 3री बार इसका नुकसान हुआ है। इसमें अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं, एक तो ये जो है जो बार बार जो ये बिजली विभाग की लापरवाही हो रही है, ये बिजली विभाग जो है इसका सही से पुख्ता कोई इंतज़ाम करें ताकि जो ये बार बार हादसा ना हो। और दूसरा ये है कि बिजली विभाग की तरफ से जो है इसे जो भी मुआवजा बनता हो वो इसे मुआवजा जो है मिलना चाहिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। और समस्त देशवासियों को भी दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी तरफ से हॉस्पिटल में समस्त सेवाएं दीपावली के अवसर पर चलती रहेंगी। इमरजेंसी 24 घंटे चलती रहेगी। धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान जोगिंद्र पाल सिंह, ग्राम बघियार, समस्त देशवासियों व जनपद अलीगढ़ वासियों व समस्त क्षेत्रीय जनता को दीपावली भैया दौज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत टायर किसान ऑटो टायर की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की शुभकामनाएं। आज इसी न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लॉक प्रमुख मुकेश कुमार हैदराबाद, सभी क्षेत्रवासियों को और ब्लॉक के अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। देशवासियों व जनपद वासियों को भैया दौज व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं संदीप कुमार काका, चेयरमैन नगर पंचायत विजयगढ़, सभी देशवासियों, जनपद वासियों एवं
नगर पंचायत बजगढ़ वासियों को दीपावली धनतेरस भैया दौज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी हैदराबाद वासी, थाना क्षेत्र वासी, अलीगढ़ निवासी, भारत देश के निवासियों को आज धनतेरस, कल छोटी दीपावली और आगामी दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, देश में सद्भावना बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी दिवाली जी, मैं गुरलाल सिंह बरोला, वासी जीरा, पंजाब, ब्यूरो फास्ट न्यूज चैनल इंडिया वालों सारे पंजाब अते भारत वासियां नूं दिलों दिवाली दियां बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा हां। यह दिवाली बड़े प्यार ते उत्साह नाल मनाई जावे जी, अते जो कि प्रदूषण रहित होवे, सारयां लई खुशहाली लैके आवे। ते नाल ही मैं गल करदा फास्ट न्यूज चैनल दी, इस विच मैंबर रिपोर्टर ब्यूरो बनो ताकि समाज नूं भ्रिष्टाचार तों रहित बनाया जा सके। इस तों अलावा मैं आदर्श क्रैडिट कोऑपरेटिव सोसायटी विच एमई लेवल ते काम कर रहा हां। यह सोसायटी इंडिया की सब तो वड्डी कोऑपरेटिव सोसायटी है, यह पूरे 29 राज्यों में ही काम कर रही है, बैंकों तो भी अगे वध के काम कर रही है। इसका सेविंग खाते का ब्याज 6.75% है, 3 महीने तो लैके 10 साल दियां एफडियां ते होर भी स्कीमां हन, इसका ब्याज भी बैंकों तो ज्यादा है। समय समय से तुहानूं लोन की सुविधा भी है, इसके शेयर भी मिलते हैं जिसका डिविडेंट अज तीन 15% तो कदे नहीं कटिया है। सो पैसे की बचत भी जरूरी है ताकि भविख विच पैसा काम आ सके। ते नाल ही मैं फिर दोबारा सारयां नूं दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारकां दिंदा हां। हैप्पी दिवाली। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत। बिजनौर के गजालपुर के कुम्हार परिवार कच्ची मिट्टी को आकार देकर अभी भी मिट्टी के दिए और बर्तनों को बनाकर प्राचीन परंपराओं को जिंदा रखते। हालांकि आर्थिक तौर पर इन्हें इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी के दिए बना रहे हैं। परिवार भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए दिन रात मेहनत करके घूमते हुए चाक व मिट्टी को दियो की शक्ल देने में लगे। मीडिया से बात करते नरेश कुमार कारीगर। नरेश कुमार कौन से? गंजालपुर से। क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाना। कब से बना रहे हो? सदियों से। परिवार किस तरह चलाते हो? परिवार दीपावली से पहले तो अपना 2 महीने पहले से तो मिट्टी के बर्तन ही बनाते हैं, उसके बाद खुरपे दांती की मजदूरी करते हैं, भट्टे पे कभी कभी भट्टे पे भी चले जाते हैं। तो आप दिवाली पे दिए बनाते हो, क्या आपके दिए बिक नहीं पाते? दिए क्या बिक पाएंगे, जब बड़े बड़े लोग कंडील वंडील ले जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिवे बिक नहीं पाते। लोगों के घरों में दिवाली बड़े बड़े लोग दिवाली मना लेते हैं, हम घर में दिवाली भी मनाते, क्योंकि हमें उतना पैसा नहीं मिल पाता जो अपने घर में हम दीपावली में मना लें। मीडिया से बात करते सुनील कुमार कारीगर। कहाँ से हो? ग्राम गंजालपुर, पोस्ट खास गंजालपुर। क्या करते हो? मिट्टी का कार्य है। मिट्टी के बर्तन किस तरह से? मिट्टी के बर्तन चाक द्वारा बनते हैं, पहले सप्लाई होती थी घोड़ों द्वारा, अब सप्लाई होती है साइकिल द्वारा, और साइकिल से औसत नहीं आ पाता, और बहुत सुविधा होगी। पहले इतने प्रबंध चल रहे थे, अब कोई हमारे हिसाब से कोई भी साधन का रुझान नहीं है। परिवार किस तरह चलाते हो? परिवार तो खुरपे दाती की मजदूरी करते हैं, इन बर्तनों में कोई पोतपोरा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अपने घर पर दीपावली के अवसर पर कंडील जलाता है, हम मिट्टी के दीवे भी महोत्सव नहीं होते, ताकि हम मिट्टी के दीवे बनाते हैं खुद, क्योंकि उन्हें जब कोई खरीदता नहीं
तो कुछ हम उन्हें जो इधर उधर गिर जाते हैं और कुछ लोग भाग ले आते हैं और बाकी बचे कुछ हम जला लेते हैं। हमारे सामने बहुत सारी समस्या है, जितनी भी सरकार बनी कोई सी सरकार ने हमें ऐसा नहीं सोचता और जातिवाद को कुम्हार नाम की भी कला के लिए कोई चीज दी जाए। हर आदमी कहता है उनको कुम्हार इतना बड़ा है, कुम्हार इतना बड़ा है। आज के प्रशासन में कुम्हार सबसे नीचे है। मीडिया से बात करती उषा देवी का। कहाँ से हो? श्री गंजालपुर से। अच्छा, क्या करते हो? मिट्टी के बर्तन बनाना है। कैसे बनाते हो? बस मिट्टी लावेंगे, पहले खोद कर फिर उसे छेदेंगे, फिर मलेंगे, चाक पे उसे बनाएंगे, फिर उन्हें तली बन्ना करेंगे। भाई सारा परिवार उसमें ही लगा रहा है। अच्छा, क्या कुछ मिल जाता है इससे? बस क्या मिल जाए, ना दे मैं वो भी टाइम पे चले ना देते हैं, नहीं मना कर दे कि तुम्हारा बर्तन छूट गया था। दीपावली पर किस उम्मीद से आप बर्तन बनाते हैं? नाच की उम्मीद से ही के नाच मिल जाएगा। दीपावली पे आपके बर्तन सारे बिक जाते हैं या दिए वगैरह? रुक भी जाए और जो चले जाए उन्हें कह दें कि चूक गया था यो, तो उसके भी नाच मना कर दें कि नाच ना मिल। सारा परिवार परेशान है और फिर उनमें उपले लाना बहुत पैसों के उपले आए जाए और काले हो जाए तो उनकी भी मजदूरी। जितनी लागत लग जाती है उससे उतना नहीं मिल पाता। मीडिया से बात करते संदीप प्रजापति कार्यक्रम। मेरा नाम संदीप कुमार प्रजापति, गंजालपुर का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश हूँ। दीपावली आप बना रहे हो, कब से बना रहे हो? ये हो गए 4-5 साल। अच्छा, क्या कुछ बच जाता है इसमें? क्या कुछ बन बस अपना खाना पूर्ति हो रही है, टाइम पास हो जाता है 2-3 महीनों का। दीपावली पे जो आप दीपावली बनाते हैं ये बिक जाते हैं या रह भी जाते हैं? जी रह जाते हैं, बहुत बहुत माल बच जाता है। अच्छा, चाइना का माल का सामने कुछ नहीं बिक पाता है। फिर भी बिजनौर के किरतपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब साली ने शराबी जीजा को जम के कूटा। आपको बताते चले कि किरतपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में शादीशुदा बहन का इलाज कराने आए भाई को पारा उस समय गर्म हो गया जब जीजा ने नशे की हालत में अधूरे इलाज के दौरान अपनी बीवी को घर से चलने की जिद पकड़ ली और हाथ पकड़कर घसीटना शुरू कर दी। बीवी के विरोध करने पे पति नहीं माने। सोनभद्र के ओबरा में पेट्रोल छिड़क कर किया आत्महत्या प्रयास। अरविंद यादव उर्म 33 वर्ष पुत्र स्वर्गीय भोला यादव जिनकी घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पीड़िता सालों पुराने किए गए कार्यों का भुगतान न मिलने के कारण परेशान रहता। पीड़िता ने बताया कि 3 बार चेक बाउंस हो गया था जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, जहां नप अध्यक्ष द्वारा ठेकेदारों के चेक पर साइन नहीं किया जाता जिससे लोग परेशान रहते। मौके पर कस्बा चौकी इंचार्ज प्रदीप मिश्रा मौजूद। सोनभद्र से संतोष कुमार विश्वकर्मा। अरविंद यादव। अरविंद जी, क्या समस्या है? भैया मेरा 2 चेक कटा है, 1/11/17 का, 3 लाख का, 4/7/4/18 का, 4,52,990 रुपए का, ये दोनों चेक 3-3 महीने बाउंस हुआ है। लेबर मुझे गाली पकड़ दे रहे हैं, जिनका पेमेंट बाकी है वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? तो मैं सोच रहा हूँ जनता मुझे मारे, मैं खुद अपने आप को आत्महत्या कर लूँ यहीं। तो केरेथ्वीनगर छड़ने छिड़कने की बात आ रही है? पेट्रोल डाल चुका हूँ, माचिस छीन लिए लोग, सभासद महोदय लोग माचिस छीन लिए। इस संबंध में अध्यक्ष का क्या कहना है? अध्यक्ष का नाम है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पेमेंट नहीं दूंगा। ईओ का नाम है, भैया अध्यक्ष से मिली है, बाबू से मिली है, जबकि ईओ का साइन है, अध्यक्ष का साइन है, दोनों का साइन है। बाउंस हो गया, कटा हुआ। खबरों का सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।